क्या बात है भाई, आज तो मौसम एकदम बेहतरीन हो रखा है गाइस। और मैं कह रहा था यार चॉप से भाई सुबह सुबह चले यार बीच घूम कर आते हैं, मजे करते हैं। लेकिन भाई ये चॉप का बच्चा एक नंबर का आलसी भाई घर पे पड़ा हुआ है, पता नहीं गाइस क्या ही होगा उसका। फिलहाल तो भाई क्या ही मजा आ रहा है यार इधर। ओ हो हो, पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है गाइस। और आजकल तो यार समुद्र में मछलियां भी दिखनी बहुत कम हो गई है यार। लिटरली मैं भाई पहले डॉल्फिन दिखा करती थी, काफी सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां दिखती थी। बट देखो गाइस अब तो समुद्र में भाई बिल्कुल भी मछली नहीं दिखती है। और साथ में गाइस समुद्र पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गंदा भी हो चुका है लॉस सैंटोस का। भाई सारा का सारा जितना भी कचरा वगैरह होता है सारा लॉस सैंटोस में आकर ही मिलता है। अब जैसे सामने ही ले लो गाइस, ये जो तुम लोग देख पा रहे हो ये नाला आता है सीधे लॉस सैंटोस के शहर से और वो नाले का पानी जाता है सीधे समुद्र में। और यही एक नाला नहीं गाइस, आगे भी एक नाला है, वहां पर भी सारा पानी लॉस सैंटोस का मिलता है जाकर समुद्र में। यहाँ तो फिलहाल अभी थोड़ा जाम लग गया मतलब नाले के अंदर, इसलिए पानी यहीं पर रुक गया है, वरना आगे वाला तो भाई डायरेक्टली मिल जाता है समुद्र के अंदर। रुक जाओ यार मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये लॉस सैंटोस के लोगों की वजह से भाई बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी है अपने समुद्र की। ये देखो गाइस ये रहा वो नाला भाई, ये तो डायरेक्टली मिला पड़ा है। ये देखो भाई साहब क्या ही बुरी तरीके से। ओ भाई वो क्या है यार, वहां पर वो बंदा फोटो भी खींच रहा है। भाई साहब मछली है क्या वो, पता नहीं गाइस। देखो यार इस वाले बंदे ने अभी अभी फोटो खींची शायद। एक बंदा घूरे जा रहा है, पता नहीं क्या ही है। रुक जाओ यार जाकर पता करते हैं। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो। अरे अरे भाई साहब पानी में मत जाओ। क्यों भाई क्या हो गया, और ये मछली यहाँ पर क्या कर रही है? अरे यार अपना जो समुद्र का पानी है तुम्हें तो पता ही है यार कितना गंदा हो गया है। हाँ गंदा तो हो गया यार, उसकी वजह से देखो यार ये मरने की कगार पर पहुंच चुकी है ये मछली। ओ पागल पागल हो गया है क्या, मछली तो पानी से बाहर निकालो तब मरती है, पानी के अंदर तो वो जिंदा ही रह लेगी। अरे पानी इतना पोल्यूटेड है यार कैसे जिंदा रहेगी, बहुत ही मुश्किल है, शायद कुछ ही देर में वो मर जाए। अबे यार हमारी आंखों के सामने एक मछली मर जाएगी, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अरे उसके पास मत जाओ, वो क्या पता जिंदा भी होगी, खा सकती है तुम्हें। कोई बात नहीं भाई मैं इसकी जान बचा के रहूंगा। अरे ऐसे कैसे पागल वागल हो गए हो क्या, छोटी वाली मछली थोड़ना है कि हाथ में रख के जान बचा लोगे। कोई बात नहीं भाई मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने स्विमिंग पूल में डाल दूंगा, भाई वहां तो जिंदा रह लेगी ये। अरे लेकिन ले कैसे जाओगे, अपनी गाड़ी के पीछे रख के? अरे लेकिन तब तक तो ये मर जाएगी क्योंकि पानी के बाहर आते ही ये मर जाती है। अभी तो ऐसे कौन सा पानी के अंदर वो जिंदा रहने वाली है, तू ही तो कह रहा है। हाँ ये बात भी सही कह रहे हो, इसीलिए मैं भाई से ले जाने वाला हूँ, तो संभाल के रहना यार। भाई तू टेंशन मत कर भाई, अभी अभी तू फटाफट से मेरी मदद कर इसको मेरी गाड़ी में रखने में। ठीक है चलो कर देता हूँ तुम्हारी मदद। चलो गाइस फटाफट से इसे लेकर चलते हैं यार अपनी स्विमिंग पूल में, और देखते हैं गाइस वहां तक जाने तक ये मछली सरवाइव कर पाती है कि नहीं। वैसे ये शार्क लग रही है भाई मेरे को, शार्क वो भी तगड़े जबड़ो वाली, दबोच लेगी अगर जिंदा बच गई तो। नहीं दबोचेगी भाई, एक तो मैं ऊपर से इसकी जान बचा रहा हूँ ऊपर से ये दबोच लेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। चल भाई तू मेरी मदद कर। ठीक है लो यार, जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने कर दिया। भाई साहब यार क्या ही खूबसूरत मछली है यार, इसको हम लोग यहीं मरने देते? नहीं नहीं गाइस ऐसा नहीं हो सकता, फटाफट से यार इसे लेकर निकलो वरना ज्यादा देर पानी के बाहर ही मर जाएगी। तू टेंशन मत ले भाई, मैं एकदम हवा की रफ्तार से लेकर जाऊंगा इसको अपने घर पर। ऐसे गाइस तुम लोग एक बार ये वाली मछली देखो भाई कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये अभी मर जाती यार लेकिन इसको आज हम लोग बचा कर रहेंगे। लेट्स गो गाइस, तुम लोग फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, ताकि हम लोग यार अपनी इस मछली को बचा सके। हाँ गाइस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। गाइस लेट्स गो यार, फटाफट से इसे अपने घर की तरफ लेकर चलते हैं। मछली बहना तू टेंशन मत ले, हम तुझे बचा कर ही रहेंगे। चलो गाइस फटाफट से भगाते हैं यार। ओ हट जाओ लॉस सैंटोस वालों, यार एक तो तुम लोग वैसी मछलियों को मार रहे हो, मैं आज बचाने के लिए निकला हूं तो तुम लोग हट नहीं रहे। अबे हट जाओ यार, एक तो एक खंभे से टकरा रही है भाई अपनी गाड़ी, ऊपर कार होती तो थोड़ी और फास्ट जा सकता था मैं, बट गाइस कोई नहीं मैं इसको भी बहुत ही ज्यादा फास्ट भगाने वाला हूं लिटरली मैं। हट जाओ भाई सामने से सारे के सारे हट जाओ, बहुत ही तेज मेरी गाड़ी आने वाली है। चलो गाइस सुपर कार से भी मैं फास्ट भगाता हूं और लेकर चलते हैं इसको घर पे। वैसे चॉप किलस जाएगा यार, लेकिन क्या करे भाई मछली को बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए गाइस लेट्स गो। ओके गाइस यार अभी फिलहाल मेरे को यार 5-10 मिनट हो चुके हैं भाई साहब, लिटरली मैं इतनी ज्यादा तेज मैंने आज तक कभी गाड़ी नहीं चलाई है भाई, इतनी रैश ड्राइविंग करी है मैंने भाई साहब क्या ही बताऊं मैं। जो भी हो गाइस अभी फटाफट से लेकर चलते हैं और यहाँ पर रश करते हैं यार। अरे हट जाओ यार जल्दी से सामने से। ओके हट जाओ यार, कोई शॉर्टकट ले सकते हो क्या मैं अपने घर का? नहीं नहीं गाइस शॉर्टकट के चक्कर में मछली ना गिर जाए अपनी गाड़ी से। लेट्स गो फाइनली, यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा है लिटरली मैं इस वाली मछली को लेकर बस घर पहुंचने वाला हूँ। आई होप ये बस जिंदा हो वरना मेरी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। चलो हट जाओ सारे गाड़ी वाले हट जाओ भाई। ओके गाइस घर पर हम लोग बस ऑलरेडी पहुंचने वाले हैं गाइस, ऑलमोस्ट घूम के आना चाहिए था यार डायरेक्ट स्विमिंग पूल तक जा सकूं, इधर से कैसे जाऊंगा मैं। अरे यार पहले ये
दिमाग चलाना चाहिए था थोड़ा सा, बट कोई नहीं गाइस, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, फटाफट से यहाँ से घुमाते हैं अपनी गाड़ी को, लेट्स गो। और यहाँ पर घूम गई है गाड़ी, फटाफट से गाइस अभी आगे लेकर चलते हैं, जल्दी 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 गाइस जल्दी। और ये यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं आराम से भाई, नारियल के पेड़ हट जा। ओके ओके गाइस, बस स्विमिंग पूल में पहुंचने वाले हैं। ओके ये, अरे ये किसका स्विमिंग पूल है? अरे नहीं नहीं भाई, ये किसी और के स्विमिंग पूल में लेकर आ गया मैं। एक सेकंड गाइस, गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से। चलो गाइस यार, उस वाले बंदे के यहाँ से मैंने निकाल लिया है, अब निकाल कर डालते हैं अपने स्विमिंग पूल में, लेट्स गो गाइस। ओके फटाफट से इसे धक्का देकर सीधा पानी में डालना होगा। चलो गाइस जल्दी से डालते हैं यार। तुम लोग गाइस वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं इस मछली को धक्का दे पाऊं। चौप भाई हेल्प कर मेरी। अब आज तक लिए ये क्या लेकर आ गया तू, रहने दे भाई मैं अकेले कर लूंगा। चलो गाइस इसको धक्का देते हैं। हो गाइस फाइनली जैसे तैसे यार मैंने इस वाली शार्क को धक्का दे दिया पानी के अंदर, और देखते हैं गाइस अब ये जिंदा बचती है कि नहीं। अब आज तक लिए ये क्या लेकर आ गया तू हमारे घर पे? भाई शार्क है एक बहुत ही बड़ी वाली। अब आज तक लिए तेरे को पता है शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक होती है? शार्क हां खतरनाक तो होती है काफी ज्यादा। अब आज वो हमें कच्चा चबा सकती है? हां कच्चा भी चबा सकती है। तो भाई साहब लेकर क्यों आया उसे? भाई वो मर रही थी वहां पर समुद्र के अंदर, उसकी जान बचाने के लिए मैं उसको लेकर आया हूँ। भाई साहब यार कल हुआ यार, उसकी तो जान बचा ली, अब तेरी जान कौन बचाएगा? अरे कुछ नहीं कर रही भाई, वो शार्क कितना ज्यादा डरता है यार। चौप तू देख भाई, मैंने उसकी जान बचाई है तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भाई साहब यार कल हुआ ऐसा नहीं होता यार, ऐसा ही होता है, तू देख ना भी। अभी फटाफट से गाइस एक काम करता हूँ, गाड़ी को यहाँ से हटा देता हूँ और देखते हैं गाइस शार्क हमारी जिंदा बचती है कि नहीं। वैसे भाई साहब वहां से तू कितनी ज्यादा जल्दी आया है कि शार्क जिंदा बच जाएगी? 5-10 मिनट के अंदर भी पहुंच गया हूँ मैं। क्या बात कर रहा है बे तू? बिल्कुल यार बिल्कुल, और 2-4 मिनट यहाँ लग गया, मतलब मान ले 10 मिनट के अंदर मैं लेकर आ चुका हूँ। 10 मिनट तक मछली जी जाती है पता नहीं भाई ये तो मेरे को। फिलहाल तो गाइस वेट करते हैं यार इस मछली की हरकतें देखने के लिए। अगर मछली हिलती डुलती है तो इसका मतलब तो जिंदा बच गई, बाकी तो थोड़ा वेट करते हैं यार। मेरा स्विमिंग पूल का पानी गाइस समुद्र से तो लाख गुना साफ है, देखते हैं यार क्या होता है। बस तुम लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि हमारी जो मस्त वाली शार्क है ये बच जाए यार। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो यार। पता नहीं गाइस, ओ एक सेकंड, इसका जो फिन होता है, फिन की पता नहीं क्या ही सींग वगैरह जो भी होता है गाइस, पानी के ऊपर तो आया है। और क्या ये मछली अपनी पूंछ भी ला रही है? ओ भाई ओ मछली, मछली जिंदा बच गई, ओ मछली जिंदा बच गई। अब आज साहब कलवे क्या बात कर रहा है यार तू? अब मैं हाँ भाई जिंदा बच गई। अब आज साहब यार तूने क्या किया, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। मैं क्या नहीं करना चाहिए था यार भाई, मेरा घर है मेरा स्विमिंग पूल है, मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या है? भाई साहब ये मत भूल 50% हिस्सा मेरा भी है। तो क्या तेरा जा रहा है यार, एक शार्क को पाल लिया तो? भाई साहब यार किसी तूने किसी को देखा है शेर को पालते हुए? शेर पालते हुए नहीं यार। अब तो भाई साहब क्योंकि शेर हमला कर देता है, ऐसी शार्क भी हमला कर सकती है यार। अबे नहीं करेगी भाई, शेर तो पैरों पे चलता है और वो भी जमीन के ऊपर, शार्क तो पानी के अंदर रहती है 24 घंटे। तब मान ले तू गलती से इधर से जा रहा और तेरा पैर फिसल गया तो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये देख ले पैर गलती से क्या फिसलेगा, ले मैं खुद ही चला गया। ये देख शार्क कितनी मस्त है, देख भाई कुछ भी नहीं कर रही है लिटरली में। भाई साहब अच्छा इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जरा तू उसके मुंह के पास जाके दिखा। भाई ये ले भाई, हेलो शार्क हाउ आर यू, क्या हाल है आपके? ये देखो गाइस क्या मस्त तैर रही है ये वाली शार्क, देख रहा भाई कुछ भी कर रही है। भाई तू खामखा डरता है यार। भाई साहब मैं नहीं मानने वाला भाई, तू कुछ भी कर इस वाली शार्क को भाई बाहर भेज के आ। नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता है अब। भाई साहब मेरे को नहीं पता तू भगा इसे यहाँ से। मैं तो नहीं भगाऊंगा, तो फिर तू मेरे को भगा। नहीं भाई तेरे को भी क्यों भगाऊ मैं? भाई साहब यार कल ये तू गलत कर रहा है। अरे कुछ गलत नहीं कर रहा है यार, चौप तू चिल मार यार, तू भी बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, एकदम मस्त रह, मस्ती में जिंदगी जी भाई, कितनी टेंशन लेता है ये चौप का बच्चा भी। भाई साहब बिल्कुल तू गलत कर रहा है यार, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। मैं चुप रह, कहीं ना पछताना पड़ेगा। चलो गाइस मस्त एकदम मछली के लिए क्या लेकर आऊं मैं, मछली क्या खाती है? मैं छोटी मछलियों को और इंसानों को। तो चलो गाइस फटाफट से इसके लिए इंसानों को। भाई साहब हाँ यार, अबे तू चुप रह यार, इसके लिए कुछ लेकर आना पड़ेगा। लेकिन क्या बर्गर लेकर आऊं? भाई साहब यार कल मैं पागल वागल हो गया क्या, बर्गर नहीं खाती वो? तेरे को बहुत पता है, तूने क्या मछलियों के ऊपर PhD करी है? पर नहीं यार, फिर भी यार अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तू चुप हो जा भाई, तू ज्यादा मत बोल। ओके गाइस कुछ ला कर यार एकदम मस्त खिलाते हैं। आई थिंक जो मॉल वाले होते हैं उन्हीं से पूछ लूंगा। नहीं बताएंगे क्योंकि लोग फिश टैंक में मछलियां पालते हैं ना कि शार्क पालते हैं।
कोई ना कोई तो बता ही देगा। शार को भी गाइस एकदम मस्त हम लोगों ने खाना वाना खिला दिया है और मस्ती से वो आई होप अभी सो रही होगी। तो चलो गाइस हम लोग भी सो जाते हैं, यार बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे। भाई चौप तू भी सो जाए यार। अब आज साहब यार कल मेरे को नींद नहीं आने वाली है जब तक यार शार के यहाँ पर रहने वाली है। अब तू रहने दे भाई, तू उसे रह नहीं दे। ओके गाइस चलो, तू नहीं सो रहा है तो भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है। चलो गाइस, वैसे यार तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। और हाँ यार एक चीज बताना तुम लोग कमेंट में कि हम लोगों को अपनी ब्यूटीफुल सी शार का क्या नाम रखना चाहिए। तो भाई साहब यार अब तू उसका नाम भी रखेगा क्यों? भाई तू डॉगी का नाम चॉप हो सकता है तो उसका नाम क्यों नहीं हो सकता? गाइस तुम लोग बताओ यार इस वाली शार का हम लोग क्या मस्त वाला नाम रखे, कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक करके गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी चल दे यार फटाफट से मस्त सोने के लिए, नींद आ रही है। अरे कहाँ गिर गया मैं, सोफे पे सोना था, नीचे नहीं सोना भाई मेरे को। ओके गाइस यहाँ चढ़ते हैं सोफे पे। आओ भाई साहब यार कल भी तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया यार इस वाली शार को पाल के। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको नोच के खत्म कर दूं यार, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है उसको देख देख कर। ऊपर से इसका नाम भी रखने वाला है ये कलुए का बच्चा। मान लो यार किसी दिन स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया मैं, अरे शार्क भैया छोड़ दिया मेरे को। तो गाइस अगर तुम लोग अगर इस वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले प्रेस कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।